to Another video, and in this video, we'll be discussing the chapter 4, part 2 of EIS. And before starting the video, please like, share, and subscribe to the channel, and ring the notification bell to do share it with your friends. So, let's start. In chapter 4? There was one answer remaining, so like one part I left in between. So, let's start with that first. Um, just wait for a second, you like Let's see chapter 4. Yes, chapter 4. We had one answer remaining. Yeah, so let's start. So, the answer remaining was.

प्राइवेट से है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी क्वालिटी इशूज़ नीड्स एक्स एस टू इंटरनेट एंड लैक ऑफ पर्सनल टच एस से सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इशूज़ पी से प्रॉब्लम ऑफ अनॉनमिटी देन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर आर से रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए से अटैक फ्रॉम हैकर्स एंड एल से लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन जस्ट इमेजिन अगर ये आंसर आ गया आपके हाथ में फोर्टी थर्टीन हेड पॉइंट्स है थर्टीन हेड पॉइंट्स है आपने खाली डेफिनेशन भी लिख लिया ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का और ये थर्टीन हेड पॉइंट्स लिख दिया और अंदर एक एक लाइन भी लिख लिया ना आपका कोई मार्क्स नहीं कट कटा पाएगा इधर समझे तो खाली आपको ध्यान देना है हेड पॉइंट्स पर और अभी बाकी आंसर्स करते जो आगे के बचे हुए हैं सॉरी क्या पे था हाँ हम लोग ने लास्ट वीडियो में यहाँ पे सेवनटीन्थ वाले पे एंड किया था तो लेट स्टार्ट एक्सप्लेन the pertinent issues involved in cloud computing involved in cloud computing sorry yahan pe miss ho gaya thoda sa implementation cloud computing implementation explain the issues that are pertinent involved in cloud computing implementation ठीक है अभी कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने के पहले आप ही सोचो अगर आपको कोई प्लान इंप्लीमेंट करना है तो आपको पहले प्लान बिल्ड करना पड़ेगा पड़े पड़े आपको पहले प्लान बिल्ड करना पड़ेगा सिमिलरली अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को आपको इंप्लीमेंट करना है क्लाउड कंप्यूटिंग को आपको इंप्लीमेंट करना है तो उसके पहले आपको बिल्ड करना पड़ेगा आपको बिल्ड करना पड़ेगा तो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनीथिंग यू हैव टू बिल्ड बिफोर इंप्लीमेंटिंग एनीथिंग यू हैव टू बिल्ड तो इससे आपका चीट कोड खुलगा क्लाउड कंप्यूटिंग इंप्लीमेंटेशन के इशूज है तो उसके लिए आपको पहले बिल्ड करना पड़ेगा दैट इज़ बिल्ड्स builds hidden security builds hidden security that is bugs in large scale distributed system unexpected behavior interoperability legal issues threshold policy software development in cloud hidden cost and security issues ये ना बहुत ऐसे टाइम पास आंसर है डिस्क्राइब एनी सिक्स कमर्शियल लॉस ईच एंड ब्रेफ दैट आर एप्लीकेबल टू तो एनी ई कॉमर्स और एम कॉमर्स ट्रांजेक्शन मैं आपको चीट कोड दे रहा हूँ फिगर सी सी आई फिग सी सी आई दैट इज़ फिक्स सी सी आई आपको कोई भी मतलब इसमें से रैंडम छे याद कर लो फॉरन ट्रेड एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू फेमा नाइनटीन नाइनटी नाइन फेमा वाला ई है फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोटी एट ये भी ईजी है याद रखना ईयर के साथ फैक्ट्रीज कब बनना चालू हुई इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो नाइनटीन फोर्टी एट लिंक हो जाएगा फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबको याद है एटी सेवेंट टू जी एस टी एक्ट टू थाउंड सेवेंटीन फिर इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन आपके ये पाँच तो इधर ही हो गए और आपको ये आपके हिसाब से लर्न कर लेना फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस टू सेलर बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस टू सेलर बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस टू सेलर अभी ई बिज़नेस की वजह से क्या हुआ नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो बंद हो गया नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस है वो बंद हो गया तो हम लोग जनरल स्टोर इमेजिन करेंगे जनरल स्टोर के बाहर क्या सबसे पहले जनरल स्टोर के इधर जाते हो बनिए की दुकान पे तो क्या होता है वहाँ पे वो राइस के सैक्स रखे हुए रहते हैं राइस के सैक रखे हुए रहते हैं तो क्या हो गया उनका बिजनेस बंद हो गया दैट इज रेस्ट इन पीस बी राइस रेस्ट इन पीस बी राइस रिप बी राइस रेप बी राइस हम लोग ना ये चीट कोड नो ऑफेंस टू दोज स्टोर बट ई ई बिज़नेस आने की वजह से ई बिज़नेस आने की वजह से क्या हुआ वो जनरल स्टोर का बिज़नेस नीचे चले गया तो वो आ, वो जो राइस की बोनी रखी हुई रहती है साग रखा हुआ रहता तो है वो उससे क्लिक होना चाहिए ठीक है तो रिप बी राइस कैसे लिंक करोगे बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस टू सेलर बेनिफिट्स ऑफ़ ई बिज़नेस टू सेलर ई बिजनेस के वजह से, e e e से सेलर को क्या बेनिफिट हुआ जो बनिए की दुकान है उसके अंदर वो गेहूँ राइस की गोनी रखी रहती है राइस की गोनी हाँ तो रेस्ट इन पीस ऐसा सर ने बोला था तो रेस्ट इन पीस बी राइस तो रिकरिंग पेमेंट्स मेड ईजी इंक्रीज कस्टमर बेस provides a dynamic market better quality of goods easier entry into new markets elimination of time delays reduction in cost instant transaction creation of new markets efficiency and improvements characteristics of iaas that is infrastructure iska is full form infrastructure as a service infrastructure as a service infrastructure as a service, as a service ka kya characteristic hai? We centralize smv centralized sm, we centralize SM. अभी है न ये चीट कोड है ना बहुत अच्छे स्टोरी के साथ लिंक करूंगा अभी फॉर अ पर्सन टू प्रोवाइड सर्विस द रिसीवर एंड द सर्विस प्रोवाइडर दोनों साथ में होने चाहिए दोनों साथ में होने चाहिए में मतलब साथ में मतलब सेंट्रलाइज साथ में मतलब सेंट्रलाइज और वी मतलब क्या आप और वो सर्विस प्रोवाइडर आप और वो सर्विस प्रोवाइडर आप और वो सर्विस प्रोवाइडर सेंट्रलाइज होइए फिर वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा और आप उसको मनी दोगे ठीक तो है तो स्टोरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई ए एस दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सर्विस कब प्रोवाइड होगी जब आप और सर्विस प्रोवाइडर साथ में हो गए दैट इज वी सेंट्रलाइज फिर वो आपको सर्विस देगा दैट इज एस और आप उसको मनी दोगे दैट इज एम दैट इज़ वी सेंट्रलाइज एस एम दैट इज़ वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेस इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग सेंट्रलाइज मैनेजमेंट शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मीटर्ड सर्विस एंड मीटर्ड सर्विस एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट ये मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बट बहुत ईजी है मैं तो भी चीट को दे रहा हूँ वी पी डी एल सी वी पी डी एल सी वी पी डी एल सी ये डी है हुँ? तो वी पी डी एल सी दैट इज रिटर्न रिकॉर्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली इजी एंड कन्वीनियंट पे और सेंड मनी फ्रॉम एनी वेयर डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेज लेस रिस्क कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू बिजनेस ये सब मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बहुत ईजी है ठीक है अभी ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट हम लोग को डिजिटल पेमेंट के ड्रॉबैक्स के बारे में किसने बताया डॉक्टर डीनो ने हम लोग को ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट किसने बताया डॉक्टर डीनो ने दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन सीधी सी बात है जिसको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती उसके लिए डिजिटल पेमेंट्स करना बहुत ईजी नहीं है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है है ना फिर उसके बाद रिस्क ऑफ डेटा टेफ्ट डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शनस इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस बिना इंटरनेट आप नहीं कर सकते बट दैट इज सम नंबर दैट इज़ हैश टैग करके कोई तो नंबर है अगर आप वो कॉल वो नंबर पर कॉल करते हो तो विदाउट इंटरनेट भी आप पेमेंट्स कर सकते हो ओवर स्पेंडिंग नो बेनिफिट्स ऑफ़ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन टू इंडिविजुअल यूज़र और कस्टमर बेनिफिट्स ऑफ़ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स टू इंडिविजुअल यूजर और कस्टमर क्या हो सकता है अभी देखना सबसे पहले ई कॉमर्स का जैसे ट्रांजेक्शन्स ईजी हो गए कभी भी आप ट्रांजेक्शन्स करते तो एनी टाइम एक्सेस ये दो चीज़ हिट हो गई ना तो आपको याद लगना है सी सी टी वी इज ईजी एंड एनी टाइम एक्सेस सी सी टी वी इज ईजी एंड एनी टाइम एक्सेस दैट इज़ कन्वीनियंस कूपन एंड डील्स टाइम सेविंग वेरियस ऑप्शन ईजी टू फाइंड रिव्यूज एनी टाइम एक्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड क्राउड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड क्राउड हाइब्रिड मतलब मिक्स mix और मिक्स चीजों में ना थोड़ा पार्शियलिटी होता है मिक्स चीजों में थोड़ा पार्शियलिटी होता है हाइब्रिड मतलब मिक्स mix और मिक्स चीज़ों में क्या होता है पार्शियलिटी होता है तो पार्शियल एस एस सी दैट इज पार्शली सिक्योर्ड स्केलेबल स्ट्रिंजेंट एस एल एस एंड कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रेडिशनल मैथ्स ऑफ डिजिटल पेमेंट अभी बताओ मैं ये सिखाओ कि आपको नेट बैंकिंग और कार्ड कार में कौन से टाइप होते हैं दैट इज क्रेडिट डेबिट स्मार्ट फिर भी मैं सिखाऊंगा क्योंकि हमको तो सेफ्टी रखनी है दैट इज सी सी डी एस एन सी सी डी एस एन डैट इज कार्ड्स कार्ड्स में आते हैं क्रेडिट डेबिट स्मार्ट एंड नेट बैंकिंग ये वाला चीट को जब मैंने बनाया इतना सैटिस्फैक्ट्री था ना जिसकी लिमिट नहीं है एक्सप्लेन वेरियस कंट्रोल ऑब्जेक्टिवस ऑफ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स एक्सप्लेन वेरियस कंट्रोल ऑब्जेक्टिवस ऑफ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स एक्सप्लेन वेरियस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स जैसे ये क्वेश्चन सुनाना आपको क्या याद करना पता है आपने जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं ई कॉमर्स और एम कामर्स में कभी सीखे थे कभी सीखे थे आपने सीजन थ्री एपिसोड फोर में सीखे थे सीज़न थ्री एपिसोड फोर अब भी आप सोच रहे हो ये क्या ये क्या फ़ालतूगिरी कर रहा है सर हाँ ये क्या फालतुगिरी है सीजन थ्री का मतलब है पेपर थ्री आपका ई आई एस एम ग्रुप टू का पेपर थ्री है और आप ये कौन सा चैप्टर कर रहे हो चैप्टर फोर तो चैप्टर मतलब एपिसोड सीजन मतलब पेपर ठीक है तो सीज़न थ्री एपिसोड फोर सीजन थ्री एपिसोड फोर इसका मतलब है एस तीन बार ई e तो एक बार आएगा और पी चार बार ठीक है तो फटाफट फटाफट एक्सप्लेन वेरियस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स एक्सप्लेन वेरियस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स हमने ये कभी सीखा था हमने ये सीखा था चैप्टर Uh, paper 3, Chapter 4, that is Season 3, Episode 4. Season 3, Episode 4, that is S3EP4. See you've got assets from unauthorized access, system effectiveness objectives, system efficiency objectives, ensure data integrity, prevent organizational cost of data loss, prevent loss from incorrect decision making, prevent from high cost of computer error, prevent loss of computer hardware, software and personnel. नाउ characteristics ऑफ पब्लिक क्लाउड Characteristics ऑफ पब्लिक cloud. Characteristics ऑफ पब्लिक क्लाउड पब्लिक cloud के क्या characteristics हैं एक तो चीट सकता है. L शाह L से कोई भी नाम रख देना आप मतलब लोकेश शाह फॉर एग्जाम्पल ठीक है और सबसे बेस्ट आंसर दूँ उससे भी अच्छा तो पब्लिक पब्लिक मतलब लोकल तो लोकल शाह लोकल तो इससे क्या आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों लिंक हो गया तो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड पब्लिक मतलब लोकल लोकल मतलब लोकल छा लोकल छा लोकल छा दैट इज लेस सिक्योर देन स्ट्रिजेंट एसिलस हाईली स्केलेबल अफोर्डेबल एंड हाईली अवेलेबल ठीक है एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ब्लॉक चेन एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ब्लॉक चेन आप लोग ब्लॉकचेन को कौन से कौन से एरिया में अप्लाई कर सकते हो कौन से कौन से एरिया में अप्लाई कर सकते हो बहुत लॉजिकल आंसर है सबसे पहले तो आप किधर किधर अप्लाई कर सकते हो आप फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हो हेल्थ केयर सर्विस हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को अप्लाई कर सकते हो फिर ट्रैवल इंडस्ट्री को अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हो और इकोनॉमिक फोरकास्ट को अप्लाई कर सकते हो स्टिल आई एम गिविंग अ चीट कोड फॉर दिस दैट इज़ गेट फाइनेंशियल हेल्थ ब्लॉक चेन जैसे सुना ना ब्लॉक चेन जैसे सुना वैसे फाइनेंशियल हेल्थ दिमाग में आना चाहिए ब्लॉक चेन जैसे सुना वैसे फाइनेंशियल हेल्थ दिमाग में आना चाहिए तो गेट फाइनेंशियल हेल्थ गेट फाइनेंशियल हेल्थ ज गवर्नमेंट इकोनॉमिक फोकस्ट ट्रेवल इंडस्ट्री फाइनेंशियल इन द चेन ऑफ ई बिजनेस ऑपरेशन एक्सप्लेन वेरियस कंट्रोल फॉर ऑल इन द चेन ऑफ ई बिजनेस ऑपरेशन जो भी ई बिजनेस ऑपरेशन कर रहा है उसको पैसे की भूख तो होगी पैसे की भूख तो होगी जिसको उसको कंट्रोल करना चाहिए ना जिसको उसको कंट्रोल करना चाहिए और पैसे की बुक को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में लस्ट लस्ट फॉर मनी बट अभी वो फॉर मनी मत रखना लस्ट लस्ट ठीक है लस्ट होगा उसको एक्सप्लेन वेरियस कंट्रोल्स नेसेसरी फॉर ऑल पर्सनस इन द चेन ऑफ ई बिजनेस ऑपरेशन हर इंसान जो ई बिजनेस ऑपरेशन में लिंक हो रहा है हर इंसान जो ई बिजनेस ऑपरेशन में पार्ट हो रहा है उसको पैसे की भूख तो रहेगी दैट इज लस्ट होगा पैसों के लिए तो लस्ट वर्ड याद रखना लस्ट वर्ड याद रखना ठीक है लस्ट वर्ड से आपका चीट कोड लिंक हो जाएगा और ये आपको लस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा ना वेरियस कंट्रोल्स बोला तो ये लस्ट को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो ये आपका क्वेश्चन और चीट कोड लिंक हो गया ये लस्ट वर्ड जैसे याद रखा ना उसके बाद आपको पूरा चीट कोड लिख हो जाएगा दैट इज गवर्नमेंट लस्ट नेटवर्क पेमेंट गवर्नमेंट लस्ट नेटवर्क पेमेंट दैट इज गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर यूजर सेलर मर्चेंट्स टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर एंड पेमेंट गेटवे ये क्या ये पर्सन बताए हुए हैं और इसके कंट्रोल्स इसके अंदर जो थियोरी दिया ना उसमें ठीक है एक्सप्लेन द फोर्सेज अंडर पिनिंग द रेवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स एक्सप्लेन द फोर्स अंडर पिनिंग द रिवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स चीट कोड इज कैप्स प्रोडक्टिव सपोर्ट दैट इज कन्वर्जेंस ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस सोशल नेटवर्क कॉमर्स प्रोडक्टिव एनालिसिस सपोर्ट ऑफ आई टी गवर्निंग लॉस ठीक है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ बी वाई ओ बी सॉरी वी वाई वी नहीं वी वाई ओ बी समथिंग एल्स वी वाई ओ बी समथिंग एल्स हम लोग वी वाई ओडी पढ़ रहे हैं बी वाई ओडी पढ़ रहे हैं दैट इज़ ब्रिंग योर ओन डिवाइस ब्रिंग योर ओन डिवाइस ठीक है ब्रिंग योर ओन डिवाइस तो अभी मैंने ये बी वाई ओ बी ऑन पर्पज लिखा है अभी समझो ना आप बी वाई ओ बी करके आए पार्टी से घर पे आके थोड़ी ना बोलोगे घर पे आके थोड़ी ना बोलोगे घर पे आके क्या बोलोगे झूठ बोलोगे ना घर पे आके झूठ बोलोगे ना घर पे आके लाए करोगे ठीक है तो ऐसा याद रखना है एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ बी वाई ओ पी बी वाई ओ बी नहीं सॉरी 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 पी वाई ओडी दैट इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस वी वाई ओ बी करके आओगे तो घर पे क्या सच बोलोगे नहीं घर पे आके झूठ बोलोगे लाए तो चीटकट होता है बी बाई ओडी से हाय लाए हाय लाए जूट को हाई करना दैट इज हैप्पी एम्प्लॉयज इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशियंसी लोअर आई टी बजट आई टी रिड्यूसेज सपोर्ट रिक्वायरमेंट देन अर्ली अडॉपशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ठीक है एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ ग्रीड कंप्यूटिंग एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ ग्रीड कंप्यूटिंग एम आर पी रैम एम आर पी रैम यह ना बहुत लॉजिकल आंसर है अगर आपने ग्रीड कंप्यूटिंग का टॉपिक समझाएगा ना बहुत लॉजिकल आंसर है मेक यू ऑफ अंडर अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज रिसोर्स बैलेंसिंग पैरलू कपैसिटीज लाइबिलिटी एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज मैनेजमेंट ठीक है इन द लास्ट आंसर फो चैप्टर फोर डिस्कस वेरियस ई मार्केट मॉडल्स डिस्कस वेरियस ई मार्केट मॉडल्स दैट हेल्प बिजनेस टू अचीव द वैल्यू एडिंग प्रोसेस दैट अचीव द बिजनेस टू द वैल्यू एडिंग प्रोसेस अगर है ना प्रोसेस को वैल्यू एड करना ना तो आप लोग एक बटन को स्पैम करोगे आप लोग एक बटन को स्पैम करोगे वो बटन पर क्या लिखा है वो बटन पर क्या लिखा है डी पी बी वी डी पी बी डी पी बी ठीक है आप लोग एक बटन पे स्पैम करोगे जिस पे क्या लिखा है डी पी बी ओके बहुत इजी है क्या करना है देखो अगर आपको कोई ई मार्केट मॉडल से बिजनेस में वैल्यू प्रोसेस वैल्यू ऐड करते जाना है वैल्यू ऐड करते जाना है तो आप एक बटन पे स्पैम करोगे आप एक बटन पे स्पैम करोगे और स्पैम कौन से बटन पे करोगे पे लिखा है डी पी बी वी डी पी बी वी ठीक है तो द चीट कोड इज स्पैम डी पी बी वी दै इज स्पैम डिस्प्ले पिक्चर बुक वैल्यू जो भी लिखना है आपको लिख लो बस आपको ऐसा याद रखना है स्टोरी मॉडल में डिस्कस वेरियस ई मार्केट मॉडल्स दैट हेल्प बिजनेस टू अचीव द वैल्यू एडिंग प्रोसेस टू अचीव द वैल्यू एडिंग प्रोसेस अगर वैल्यू एडिंग प्रोसेस अचीव करना है अगर आपको वैल्यू एड करते जाना है तो आप क्या आप करोगे आप स्पैम करोगे आप स्पैम करोगे किस पे स्पैम करोगे एक बटन पर जिसपे क्या लिखा है डी पी बी वी डी पी बी वी दैट इज ई शॉप्स ई प्रोक्योरमेंट्स ई ऑप्शन ई मॉल्स ई डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल्स बायर एग्रीगेटर्स वर्चुअल कम्युनिटीज़, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो अभी यह ना प्रॉब्लम क्या चैप्टर फाइव में ना चैप्टर फाइव में सिर्फ दस क्वेश्चन आंसर्स ही है एज सच चीट कोड वाले तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरे को चैप्टर फाइव में वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए एंड इफ आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन चाप्टर फाइव आई विल शॉल री मेक इट एंड चाप्टर फाइव के बाद आई एम थिंकिंग ऑफ कवरिंग चैप्टर थ्री के जो थियोरी आंसर्स है चाप्टर थ्री के जो थियोरी आंसर्स है ना मैंने बहुत लॉजिकल और एकदम शॉर्ट वे में किया है ताकि आपको मेन मेन पॉइंट्स याद रह जाए और आप वो मेन मेन पॉइंट्स लिख के आ जाओ तो अगर आपको चाप्टर फाइव के दस जो 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 क्वेश्चन आंसर्स है उसके चीट कोट चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना मैं वो भी बना दूंगा और आपको चैप्टर थ्री के थियोरी आंसर है स्टार्ट करना है तो वो 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 भी कर दूँगा तो जो भी आपकी इच्छा आप कमेंट सेक्शन में बता देना एंड फॉर दी डी एफ ऑफ दिस नोट्स ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल आई एल बी प्रोवाइडिंग यू The notes on the Telegram channel. Link is given in the description below. Thank you for this video. Please like, share, and subscribe to the channel. Thank you.